ओके बाय बाय गॉड ब्लेस माय गॉड हम पहली बार साथ मुंबई जा रहे हैं हाँ सच में पहली बार इकट्ठे जा रहे हो तो जाते रहता था कहता अभिषेक को भी ले चलता हूँ अब छट दे सारी नाराजगी तू अब आजा मेरे पास। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आज सुबह 5:30 बजे से मैं उठी हूँ। पता क्यों? मिलन साहब को पता नहीं हर दूसरे दिन दिल्ली क्यों जाना होता है। जब देखो मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली वो अपने ना, मेरे को लगता है दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हैं। तो सुबह 5:30 उठे, चाय वाय पी और 6 बजे निकल गए। तब से लेके अब तक मैंने पता क्या करा, पहले मैं वॉक करके आई। वॉक करने गई तो हमारी सोसाइटी में ना एक आज स्नेक निकला। तो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे, तो मैं भी खड़ी हो गई वहाँ पे। और फिर बहुत सारे पीकॉक देखे, उसके बाद आई, मैंने पौधों में पानी डाला। ये देखो सारे पौधे, कितनी ग्रीनरी है ना हमारे घर पे, टच वुड। क्योंकि आसपास सारे काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बहुत मिट्टी आती है, तो ये गंदे हो रहे थे तो मैंने इनको वॉश भी कर दिया। और फिर नहा धो के अपना डेली रूटीन करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में आज मैंने क्या बनाया आपको दिखाऊं, सांभर आलू और चटनी। आज मैं बनाने वाली हूँ डोसे। फिर आपको बताऊं कि जब से हम इधर आए ना तो डोसे नहीं बने, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना डोसे बनाए जाए, तो इसलिए मैंने सारी तैयारी कर ली। आप देख रहे हो ये नीचे मैट भी बिछे हुए हैं, क्योंकि इस किचन में जो पत्थर लगा है ना उस पर कुछ भी गिर जाए ना तो बहुत जल्दी निशान पड़ जाते हैं। तो फिर जब भी काम करना पड़ता है तो नीचे मैट बिछा के करती हूँ। और आज हमारे नए वाले घर पे सबसे पहले गेस्ट हैं। वैसे किसी को जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की, सब जानते हैं आपको। मैं स्काउट हूँ और एक आशु है। आपको खाना कैसा लगा? खाना इतना चला है कि हम लोग अपना फ्लाइट का टाइम मिस कर रहे हैं, खा ही रहे हैं। उन्होंने बोला अभी नेक्स्ट फ्लाइट ले लेंगे। आंटी आप इतने स्वीट हो, आपने हमें लाइक बिना खिलाए जाने नहीं दिया। मतलब एकदम लाइक होमली मॉम वाली फील आ गई, जो मॉम जाने ही नहीं देते शायद जो हो जाए खाए बिना नहीं जाओगे। तो नहीं, वैसे बिना खाए तो मैं नहीं जाने देती। और खाना एकदम परफेक्ट था। ये अभी मुझे मतलब धीरे से बोल रहे थे थैंक गॉड इतना अच्छा खाना खा लिया, अभी मतलब पूरा दिन ट्रैवल करना है यहाँ से, तो घर भी जाना है, बहुत लंबा ट्रैवल है, अच्छा खाना खा लिया, बट एनर्जी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एकदम इतना लाइक मस्त सेटअप बनाया, सब पूरा घर एकदम परफेक्ट बनाया। थैंक यू। होटल से भी अच्छा, सबसे अच्छा। थैंक यू। तभी मैंने कहा कि आप अगर आए हो मेरे घर तो खाना तो बनता है ना, इसलिए मैंने डोसे बनाए थे स्पेशल। मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं आप लोग खाओगे कि नहीं, लेकिन चलो डोसे तो शायद सभी खाते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। हाय, अच्छा आप भी हो? मैं और क्या हूं, ब्लॉगर था मम्मी। डोसे खाने लगे हो? अभी नहीं, अभी मेरी नींद नहीं खुली। अच्छा जी, सी ऑफ करने के लिए उठा है। ओके बेटा, थैंक यू आप आए और आपने स्टे करा हमारे घर पे, फर्स्ट गेस्ट। थैंक यू सो मच। हाँ वही तो, तभी मैंने इनसे पूछा कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि हमारे घर पे कोई मतलब गेस्ट आए, फर्स्ट गेस्ट। ओके, तो स्काउट के बाद अब बारी है मिस्टर निश्चय मल्हान। ये आए हैं डोसा खाने। और आज ये भाई सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि इनकी आज दो दो शूट हैं, एक ही दिन में दो दो शूट रखी हैं। तो आज नो वर्कआउट, नो जिम, नो पूल, है ना? आज ओनली वर्क, नो वर्कआउट, ओनली वर्क। तो भाई क्या हाल चाल है? जिंदा हूँ दोस्त, काफी है। जिंदा हूँ यार, काफी है। तो मम्मी एक बात बताइए। हाँ जी। पिताजी कहाँ हैं? शांति क्यों है? पिताजी किधर हैं? पिताजी गए अपने दोस्त के पास। सुबह 5:30 बजे मुझे उठा दिया, कह रहे एक कप चाय पिला दे। मैंने कहा अभी तो टाइम देखा 5:30, मैंने कहा आज क्या बात है 5:30 बजे, कह रहे मेरे को दिल्ली जाना है। और 6 बजे अपना चाय वाय पी के चल भी गया। 6:30 बजे फोन भी आ गया कि मैं पहुंच गया हूँ। मैंने कहा इतनी जल्दी? कह रहे हाँ।
हाँ तो सुबह 6 बजे तो ट्रैफिक होगा ही नहीं ना सड़क पे। 6 बजे निकले, 6:30 पहुंच गए। पापा 6 बजे उठ के निकल सकते हैं ना, बाकी दुनिया सो रही होती है 6 बजे ज्यादातर। हैं बच्चे घर बैठे हैं, 6 बजे पापा सुबह 6 बजे उठ के अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हैं जैपनीज पार्क। मेरे को कह रहे मैं संजीव के साथ पार्क भी जा रहे हैं। अच्छा पार्क जाने के लिए आप गए हो? एक सेकंड, यहाँ से पापा 50-40 किलोमीटर दूर दिल्ली गए हैं गुड़गांव से वॉक जाने के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये वाली फ्रेंडशिप चाहिए मुझे। ये वाली फ्रेंडशिप छोड़, अपन 50 किलोमीटर दूर जैपनीज पार्क गए सैर करने। नोनू एक फ्लोर नीचे जिम नहीं जा पाता वर्कआउट करने। क्या बात कर रहा है, कल ही गया है। मैं जो इस व्लॉग को बैठता हूँ ना यहाँ पर देखता हूँ, उसमें निश्चय एक बार वर्कआउट करता और कहता है आज से रेगुलर वर्कआउट, और उसके 3 दिन गायब हो जाता है बाद। कोई नहीं होता है वो, मैं सहम। ये देखो ये दो प्राणी कब से मैं देख रही हूँ आपस में कोई बात नहीं हो रही, दोनों फोन में लगे हुए हैं। भाई इतना क्या फोन की एडिक्शन है। मैं तो हर टाइम यूट्यूब वीडियो करनी है उसकी डिस्कशन कर रहा हूं। अपनी वीडियो को 10 बार देख चुके, अपनी ही वीडियो क्योंकि आप लोग तो नहीं देख रहे, तो अगर नहीं देख रहे तो जाके फुकरा इंसान चैनल पे 50 आवर्स इन अ बॉक्स देख लो। बहुत मेहनत करी है उस वीडियो में यार, 50 घंटे रुके कर लो ना प्लीज, देख लो जल्दी। फिर मैं बोर हो गया तो मुझे तो फोन ही चलाना पड़ा। अच्छा क्या मतलब और कोई है नहीं बात करने वाला? तो फोन एडिक्ट है। तू कौन सा कम है अपना वो कंपेयर करता है स्क्रीन टाइम वालों। ठीक है चलो देखो, चलो आज देखो, आज देख लेते हैं मोबाइल का फोन यूज। तू तो मेरे पास भी बैठा हो तो कोई बात नहीं करता, जब देखो फोन में लगा रहता है। दिखाओ कैसी बात करती है, दिखा कितने, दिखाओ 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 स्क्रीन में दिखाओ जरा, दिखा दिखा लो 1 hour 32 minutes दिखा। अबे ये नहीं वीक दिखा, वीक देख लो 5 hour 36 आपका दिखाना। अबे वीक का दिखाना, दिखा ना, अरे दिखा अब, दिखा ना, दिखा दिखा 3 hour 14 minutes नहीं ये तो डे का है, आज का ही तो वीक का। अभी दिन स्टार्ट हुआ है और देख लो 9 hour 35 minutes एवरेज है इनका, ये 9 घंटे फोन चलाना। हाँ तो बहुत ज्यादा है। तो गाइस सुनो मेरी बात, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, इंस्टाग्राम से पैसे कमाने की कोशिश करता है। यूट्यूब यूट्यूब सबसे कम होगा, और यूट्यूब सबसे कम होगा, यूट्यूब नंबर 3rd पे है। देखो फर्स्ट पे क्या चल रहा है, देखो फर्स्ट पे है इंस्टाग्राम 9 घंटे। बाप रे, अरे हफ्ते में 9 घंटे यूज करा है। WhatsApp 6 घंटे से बात हो रही है WhatsApp। हाँ 6-6 घंटे WhatsApp पे किससे बातें होती है ये बताओ। अपनी बुआ से वो खुद नहीं बात करता होगा अभी तो, मैंने मना करवा ना इसकी बुआ को इससे बात करने। मैं वैसे जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, देखो तो मेरा काम है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, तो मेरा तो बनता है 9 घंटे यूज करना। अच्छा ये बंदा जो अभी पढ़ाई करने की उम्र में है, ठीक है इसको नर्स बनना है। मैं देखूंगा तो चलेंगे इसे। ये तो पूरे नेल पे डल्ला मार रहे हैं। बल्कि आपका कम होना चाहिए, बाकी सबका ज्यादा होना चाहिए। C12H22O11 और देखो जी कौन आया है सुबह सुबह 5:30 बजे के गए हुए मलन साहब। पापा भाई, हाँ भाई किससे मिलने जाते हो? मंदिर जाने के बहाने। देख ले बोल दिया उन्होंने, पार्क गए थे किसको मिलने गए थे ये बताओ, किसको मिलने गए थे? तेरी बुआ। मेरी बुआ पार्क च मिले क्या? आज पता चल गया कि मैं पापा का ही बेटा हूँ। पूछो कैसे कैसे, मैंने जब आपने पूछा किससे फोन पे बात करते, मैं कहा इसकी बुआ। आपने पूछा पार्क जाते तो कहते तेरी बुआ। बुआ नाल बड़ी सेटिंग है, बुआ नाल बड़ी सेटिंग है सब दी है, समझ नहीं आई। मैं अभी ऊपर आई हूँ देखने निश्चय की, आज 9 बजे की फ्लाइट है, तो देखने आई हूँ कि इसने पैकिंग वैकिंग करी है कि नहीं अपने आप। और ये अच्छा जी हो रही है, चलो मम्मी कर दो। मम्मी कर दो, अब आप ऊपर आए हो तो थोड़ी हेल्प करो। मैं तो देखने आई मम्मी, मैं बहुत आई एम वेरी बैड एट दिस स्टफ,
मैंने बस गिनती के 3 कपड़े निकाल लिए, हो गया है। लेकिन 3 से ज्यादा कपड़े चाहिए, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या हो रहा था कि पहले मैं और मम्मी साथ में बैंगलोर जाने वाले थे, और फिर उसके बाद हम बैंगलोर घूमने वाले हैं, उसके बाद हम मैसूर घूमने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हो गया है क्योंकि सडनली थोड़ा सा काम आ गया है। एंड अब क्या हो रहा है कि मैं जो है अभी जो है मुंबई जा रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ मुंबई फुकरा इंसान के साथ। तो अभी मैं फुकरा इंसान के साथ मुंबई जा रहा हूँ, और मम्मी की फ्लाइट बुक्ड है। मम्मी कल यहाँ दिल्ली से बैंगलोर जा रही है। मम्मी के साथ निश्चय की भी बुक थी, लेकिन मेरी भी फ्लाइट बुक थी, लेकिन वर्क आ गया जिसकी वजह से मैं आज मुंबई जा रहा हूँ, और अब मैं मुंबई से डायरेक्ट बैंगलोर पहुंचूंगा, और मम्मी जो है वो दिल्ली से बैंगलोर पहुंचेंगी। तो मम्मी आपको अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा, आर यू रेडी? मैं वही कह रही हूँ, मैं पहली बार अकेली जाऊंगी, मेरे को मतलब कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा कि मैं अकेले ट्रैवल कर लूंगी। मम्मी यार, यू आर मम्मी, मम्मी कैन डू एनीथिंग बिकॉज शी इज मम्मी एंड मम्मी is great, wow। तो कल तुम्हें देखने को मिलेगा कि मम्मी जो है फर्स्ट टाइम जो है अकेले ट्रैवल करने वाली है दिल्ली टू बैंगलोर, एंड मैं मम्मी को वहीं पे ही बैंगलोर में ही मिलूंगा जब मम्मी पहुंचेंगी। होपफुली उस टाइम तक मैं भी पहुंच जाऊंगा, एंड बस ये है अकेले पहुंचना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था कि मैं आपको बैंगलोर घुमाने वाला हूँ। साथ जाना था पर कोई नहीं, अब आपने बोला था बैंगलोर घूमना है, ठीक है, अब उसमें बस थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान ही तो है ना, इतना तो चलता है, दोनों अलग अलग रूट से पहुंच जाएंगे, अलग अलग टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन पर फिर वहां जाके तो इकट्ठे ही घूमेंगे, पर अगले 4-5 दिन मम्मी को फुल बैंगलोर घुमाएंगे। क्या बोलते रे, क्या बोलते पंटर, मालूम है ना? नहीं मालूम। तो मैंने ना निश्चय की पैकिंग तो कर दी, ये देखो, लेकिन भाई साहब को अपनी अलमारी में कपड़े नहीं पसंद आ रहे, तो अब नीचे गए हैं लेने अभिषेक की अलमारी में से, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत तो है, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही अलमारी थी, जिसका दिल करा जो मर्जी पहन लिया, और यहाँ पे थोड़ी सी हो जाती है सिलेक्शन, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं, चल अभिषेक की अलमारी में देख लेते हैं। ये आ गया, ये ये गरम है जो लेके आया तुम, ये जैकेट गरम है ऊपर से, तो मैं भी हूं। एसी में से देख आवाज कैसी आई, ओह माय गॉड। भाई नीचे अब्बू की अलमारी में से 2 टी-शर्ट लेकर आने में मेरे को ऐसा लगा बस सहारा डेजर्ट से पानी लेके आया हूँ। देख रहे हो हालत क्या हो गई, इतने पसीने निकल गए। परमिशन सक्सेसफुल, अब्बू की 2 बहुत ही स्मार्ट स्मार्ट सी शर्टें उठा लाया हूँ। 1 और 2 चुराली कॉपीराइट आ जाए। भाई साहब की 9 बजे की फ्लाइट है और 7 बज गए हैं, यहीं बैठा हुआ है, सुबह से यहीं पड़ा हुआ है अब तू। भाई मुझे ऐसे लगता है पढ़ने के लिए जगह अच्छी है, ये जगह पढ़ने के लिए अच्छा है, बस थोड़ी यहाँ पर एसी की सर्विस की जरूरत है, थोड़ी कूलिंग कूलिंग हो यहाँ पर, तो मजा आए। यही जब बन रहा था घर तो 7 विजिट करते तुम्हें, तो तुम्हें पता चलता ना कि क्या क्या चाहिए हमें। भाई साहब सोफे से उठे आप यहाँ बैठ गए, चिप्स खाई जा रहे हो, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फ्लाइट वालों ने नहीं वेट करनी कि भुकरा इंसान आ गया है, वेट करनी है उसकी। एक्चुअली जिन्होंने फ्लाइट बुक कराई है वही आ गए, वो यहाँ बैठे चाय पी रहे हैं। जो मेरी फ्लाइट मिस होगी तो वापसी करा देंगे। तो अभी इनकी बहस चल रही है, पापा कह रहे हैं कि जो हमारे गार्डनर है उसने बोला कि आप तो रहने ही दो, चलती तो आंटी की है। और मम्मी का कहना, उन्होंने बोला कि मम्मी रहने तो चलती, पापा की है तो। हाँ इन्होंने अपनी भी साथ चल लगवाई, चलती है मम्मी की पापा की, आंटी की होगी ना, वो भी नॉट श्योर ना, कौन बता सकता है जो घर में रहता है ना। मैं मतलब तू बता, मम्मी की चलती है, पापा बेचारे भोले से है। हाय कितने भोले हैं, अरे फिर अब शब्द नहीं है उनके मुंह में ना। ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस, माय गॉड, हम पहली बार साथ मुंबई जा रहे हैं। हाँ सच में पहली बार इकट्ठे जा रहे हो, जाते रहता था, कहता अभिषेक को भी ले चलता हूँ।
ओके बाय ब्लेस मिलते हैं कल आयुष्मान भर पहुंच के फोन कर देना कि पहुंच गए ठीक है ओके प्यार नहीं होना मेनू नी ओके निश्चय और अभिषेक दोनों चले गए और रह गए हम दोनों अब खाना बनाएंगे खाएंगे और सो जाएंगे ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस हम निकले थे मुंबई के लिए लेकिन वापस आ गए घर के लिए गांव का ट्रैफिक हमारे को फ्लाइट नहीं बोर्ड अभी बताएंगे हम क्या हुआ एग्जैक्टली हाय हेलो वी आर बैक मम्मा हमें देख के भाग गए कहाँ गए नहीं नहीं पता ये क्या कल तो थोड़ा मेरे को वो तुम तो मम्मी के रिकॉर्ड हो रहे हैं और मम्मी अपना कैमरा उठा के ले गई भाई हाँ? देखो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्लॉग के लिए हो तो रहा है पर मम्मी व्लॉग आप कौन सा व्लॉग कर रहे हो अलग ये मेरे भगवान मेरे भगवान मम्मी एकदम शाम को देख के भागी मम्मी को भाई हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हैं मम्मा बन चुकी हैं व्लॉगर क्योंकि हमें देख के मम्मी का पहला क्वेश्चन ये नहीं था कि क्या हुआ वापस कैसे आ गए मम्मी का पहला इंस्टिंक्ट था रुक फोन लेके आती हूँ अरे कर तो रहा था मैं क्या हुआ वही तो पूछ रही हूँ मैं समझाऊँ फुल ड्रामेटिक तरीके से समझाऊँ तो देखो मम्मी ऐसा हुआ कि हम गाड़ी लेके घर से निकले उसके बाद हम पहुंचे एम्बियंस मॉल ठीक है अभी फ्लाइट में हमारे 1.25 घंटे थे टू बी प्रिसाइज हम 2 घंटे पहले निकल गए तो 1.25 घंटे पहले हम जो है एम्बियंस मॉल पे खड़े हुए हैं बहुत पॉपुलर मॉल है दिल्ली का जिनको नहीं पता गुड़गांव का अब क्या है साइड में एक ना 24/7 की दुकान दिख रही थी फिर वहां पे ना थोड़ा ट्रैफिक था तो मैंने गूगल मैप पे चेक किया तो गूगल मैप ने बोला इन टोटल 28 मिनट्स टू द एयरपोर्ट 28 मिनट्स पहले पहुंच जाएंगे सही है उसके बाद 28 मिनट्स हो गए गेस करो हम कहां पहुंचे कहीं नहीं पहुंचे 28 मिनट बाद भी हम उसी 24/7 की शॉप के साइड में थे फिर उसके बाद हम 1 घंटे के बाद भी उस 24/7 की शॉप के साइड में थे और ये मैं हूँ मेरी गाड़ी तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे से यही बस ऐसे ऐसे घूमा नहीं पहले यहाँ पे था और फिर उसके बाद 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर था और मैं अब्बू को बार बार बोल रहा था अब्बू वो 24/7 अभी तक साइड में दिख रहा है मतलब हम 1.5 घंटे में 500 मीटर भी नहीं चले होंगे 500 भी ज्यादा बोल दिए 200 मीटर अबे भाई कोई एक्सीडेंट हो रखा था गूगल पे मैप्स पे लिखा आता ना एक्सीडेंट अहेड लिखा हुआ था क्रैश अहेड तो वो हो रखा था जिसकी वजह से वहां पे लग रखा है भाई दुनिया का सबसे भयंकर जाम कम से कम 1.5 करोड़ 1,000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 ,
कह रहे थे कि भाई चले जाओ, हम आधा पौना घंटा एक घंटा पहले भी निकल जाते तब भी क्या हो जाता। आप ये समझ रहे हो कि उसके बाद भी दूसरे रूट। और सबसे फनी पार्ट सुनो, फनीएस्ट पार्ट सुनो, हमारी फ्लाइट 9:20 की थी। हाँ। हमें कॉल आया कि फ्लाइट डिले हो चुकी है। हाँ। 9:50 की हो गई। हम खुश थे कि चलो ठीक है फ्लाइट डिले हो गई है अब तो कैच कर ही लेंगे। 9:50 पे भी हम वहीं खड़े थे। अब बोलो और कितना जल्दी निकल जाते हैं। सोच रही है हमारी गाड़ी में फ्लाइंग गियर थी। क्या मुड़ जाते हैं। मम्मी सोच रही है कि पहले तो मैं इनको बहाना ये बोल सकती थी कि बोल रही थी जल्दी निकल जाओ, अब क्या बोलूंगी। अब बताओ बोलो कि दूसरे रूट से ले लेते। कुछ कहना चाहेगा। रोड पे ट्रैफिक लग रखा है, वहाँ कोई यू टर्न नहीं है, सीधी बड़ी रोड है, वहाँ से कैसे गाड़ी उड़ा देते। नहीं नहीं स्पेस भर दो। दूसरा यू टर्न भाई, दूसरा रास्ता बता दे कोई एयरपोर्ट का अगर हो तो। मम्मी ने अभी कहीं कंस्ट्रक्ट करवा दो। मम्मी बनवा रही है गाइस, बाकी सबको छोड़ो मम्मी के लिए वोट करो, ये बनवाएंगे ऐसे ऐसे सीक्रेट रास्ते जो कभी बने ही नहीं दुनिया में, मम्मी बनवाएंगी। सच बोलूं तो कोई फ्लाइट मिस नहीं हुई है, घर का खाना खाने वापस आया हूं मैं तो। बहुत भूख लगी थी मम्मी, खाके जाते पहले। यम्मी यम्मी नुमाई टम्मी। बात करूं तो पले अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं, मेरी हर बात पे तेरा ही तो जिक्र होगा।